हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में देखिए तो आज के दिन 15 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीब की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर चलें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 10% की रैली देखने को मिली है और एक महीने में 15.5% के करीबन तेजी देखने को मिल रही है, परंतु 3 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है और वहीं 6 महीने में 39% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा, परंतु 3 महीने में इस स्टॉक में 4% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु अब इस स्टॉक में 1 महीने से एक रिकवरी देखने को मिली है। जैसा कि अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 36 रुपीज। 36 रुपीज के इस स्टॉक में डबल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया। इस स्टॉक में डबल टॉप बॉटम बनने के बाद ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पर देखें तो इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25 रुपीज 50 पैसे। 25 रुपीज 50 पैसे से स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 28 रुपीज के बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 34 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।